Assalamu alaikum, everyone. If you recall, when we were discussing sets, we talked about real numbers. And if you can remember, we talked about how we start with natural numbers. We added zero, we created whole numbers. Then there was a need for negative numbers. So integers were positive integers became the full set of integers. Then there was need for rational numbers, irrational numbers, and finally we talked about the set of real numbers, which at that time I said is the biggest set of numbers that we will be working with. Ab hum usko thoda sa aur extend karenge aur usko hum karenge, usko kehte hain complex numbers. To aaj hum seekhenge ki complex numbers kya hote hain, wo kaise construct kiye jate hain aur unki kya need hai. तो सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा कि इनिशियली नेचुरल नंबर्स ही थे लोगों के पास. तो लोगों के पास इक्वेशंस जैसे कि है, एक इक्वेशन है x प्लस थ्री इज इक्वल टू टू. इसका सोल्यूशन नहीं था. हमें तो पता है इसका आंसर है x प्लस थ्री इक्वल टू टू का आंसर है कि हम थ्री को दूसरी साइड पे ले जाएं तो माइनस वन है. लेकिन चूंकि नेगेटिव नंबर्स उस जमाने में नहीं थे तो इस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं था. फिर नेगेटिव नंबर्स इन्वेंट किए गए. और इफ आपको याद होगा कि कैसे इन्वेंट किए गए थे, हमने एक सिंबल जो कि बार है जिसको हम माइनस साइन कहते हैं उसको हमने इन्वेंट किया. फिर उसके साथ हमने क्या किया कि पूरी जो नेचुरल नंबर्स की लाइन है उसमें हर नंबर के साथ हम उसकी कॉपी ली हमने और हर नंबर के साथ वो सिंबल अटैच कर दिया और हमने कहा ये नेगेटिव नंबर्स हो गए. तो नेचुरल नंबर्स की कॉपी इस तरह से आ गई. तो ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि x प्लस टू इक्वल टू वन या x प्लस थ्री इक्वल टू टू, इस किस्म की इक्वेशंस का सोल्यूशन कैसे लें. और यही चीज़ हमने फिर रियल नंबर्स में भी एक्सटेंड कर दी, नेगेटिव रियल नंबर्स. अब प्रॉब्लम हमारे पास ये रह गई कि सपोज मैं आपको एक इक्वेशन दूं x स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो. x स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो. तो आप, अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप पता करें कि x की वैल्यू क्या है. तो आप क्या करेंगे, आप प्लस फोर को इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे जैसे कि आप हमेशा से करते आए, तो वो दूसरी साइड पे जाके माइनस फोर बन जाएगा. तो अब आपकी इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर. अब प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि आप जब किसी नंबर को स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर का क्या मतलब है, हम उस नंबर को उससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है. और जब आप हाई स्कूल में थे आपने सीखा क्या था, आपने सीखा था कि पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो जवाब पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो जवाब पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो जवाब नेगेटिव आएगा. अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर है हमारे पास. तो प्रॉब्लम इसमें हमारे लिए ये पैदा होती है कि हम एक्स की वैल्यू कैसे निकालें, वो कौन सा नंबर है जिसको हम उसी से मल्टीप्लाई करें जवाब माइनस फोर आए. ये हो ही नहीं सकता. अगर वो नंबर नेगेटिव है तो नेगेटिव को जब हम उसी से नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब पॉजिटिव आएगा, और अगर वो नंबर पॉजिटिव है तो उसको जब हम उसी से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी जवाब पॉजिटिव आएगा. तो हमारे रियल नंबर्स में कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता कि जिसमें जब हम उसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो जवाब नेगेटिव आ जाए, उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करें तो जवाब नेगेटिव आ जाए. तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई. अब हमारे पास रियल नंबर्स भी है लेकिन इस किस्म की इक्वेशंस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर, इसका सोल्यूशन हमारे पास नहीं है. अब एक और चीज की गई, मैथमेटिशियंस ने कहा कि हम एक इमेजिनरी नंबर इन्वेंट करेंगे, इमेजिनरी, और उन्होंने उस इमेजिनरी नंबर का नाम रख दिया आयोटा, फॉर ग्रीक लेटर आई. मैं भी आपको दिखाता हूं कि उसको हमने कैसे डिफाइन किया. उसको अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो यहां पे उसको हमने डिफाइन किया हुआ है आयोटा. आयोटा इज द ग्रीक लेटर आई एंड उसको हमने डिफाइन किया है एज माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन. रियल नंबर्स में हमको पता है स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन डज नॉट एग्जिस्ट. तो हमने कहा कि चलो हम इसको एक इमेजिनरी नंबर क्रिएट कर देते हैं. इसको हम कहते हैं कि ये रियल नंबर नहीं है, ये हमने क्रिएट कर लिया. क्यों क्रिएट कर लिया, क्योंकि ये हमारी लाइफ ईजी करता है, ये हमें उस किस्म की इक्वेशंस का सोल्यूशन देता है जिसका हम पहले जिक्र कर रहे थे, एक्स स्क्वायर प्लस फोर इक्वल टू जीरो. इस किस्म की इक्वेशन का हमें सोल्यूशन
इससे मिल सकता है। तो मैथमेटिशियंस ने इनिशियली इसको इन्वेंट किया और इसको एक इमेजिनरी यूनिट कहा कि ये दिस इज जस्ट एन इमेजिनरी, हमारे ख्यालों में है, ठीक है, इसकी कोई नहीं है। और उसके बाद इन्होंने कहा कि हम रियल नंबर्स को एक्सटेंड करेंगे, हर रियल नंबर का एक इमेजिनरी काउंटर पार्ट होगा। जैसे जब हमने पॉजिटिव इंटीजर्स को नेगेटिव इंटीजर्स में एक्सटेंड किया तो हर पॉजिटिव इंटीजर्स का हमने साथ उसके एक सिंबल लगा दिया, माइनस का वो उसका काउंटर पार्ट बन गया। इसी तरह हम इमेजिनरी नंबर्स बनाएंगे कि हर नंबर के साथ, हर रियल नंबर के साथ हम आयोटा अगर अटैच कर दें तो वो एक कॉपी बन जाएगी रियल नंबर्स की, उसको हम कहेंगे इट इज इमेजिनरी नंबर्स, दीज आर ऑल इमेजिनरी नंबर्स। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रियल नंबर है 2, तो 2 टाइम्स आयोटा इज एन इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर है हमारे पास 3.4, तो 3.4 टाइम्स आयोटा इज इक्वल टू इज एन इमेजिनरी नंबर, तो उसका काउंटर पार्ट बना लिया, जिस तरह हमने पॉजिटिव नंबर से नेगेटिव का बनाया था उसी तरीके से। तो अब हमारे पास, और आयोटा रिमेंबर इज स्क्वेयर रूट ऑफ माइनस 1, जो अब तक आप सीखते आए हैं कि ये एग्जिस्ट नहीं करता, हमने उसको एक नाम दे दिया। अब बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ शुरू हो जाती है। होता ये कि इससे हम नेगेटिव नंबर्स, हम स्क्वेयर करते हैं कुछ नंबर्स को, इमेजिनरी नंबर्स को, तो उनका जवाब नेगेटिव आ सकता है। इसको देखें कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। तो हम ना ये नंबर देखा, इसको हम कहते हैं आयोटा, विच इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ माइनस 1। अब अगर इसको मैं स्क्वेयर करूंगा तो मैं लिखूंगा आयोटा स्क्वेयर, विच इज इक्वल टू आयोटा टाइम्स आयोटा, विच इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ माइनस 1 टाइम्स स्क्वेयर रूट ऑफ माइनस 1। आपको पता है कि स्क्वेयर रूट और स्क्वेयर एक दूसरे का ऑपोजिट है। उसी नंबर को जब मैंने माइनस 1 से को मल्टीप्लाई किया उसी से, तो ये माइनस 1 स्क्वेयर रूट स्क्वेयर हो गया। स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं तो जवाब आ गया माइनस 1। तो इमेजिनरी नंबर के साथ हमको ये हुआ कि हमने ऐसे नंबर इन्वेंट कर लिए कि जब हम उनको स्क्वेयर करेंगे तो जवाब नेगेटिव आ जाएगा। मैं इसी तरह आपको एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि अगर माइनस 1 के अलावा कोई और नंबर हो, तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है नंबर स्क्वेयर रूट ऑफ माइनस 2, इसको अगर मैं स्क्वेयर करूंगा तो क्या होगा, ये आ जाएगा स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस 2 आ जाएगा। इसको मैं लिखना का अगर चाहूं आयोटा की नोटेशन में, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं माइनस 1 टाइम्स 2 स्क्वेयर रूट, ठीक है, विच इज इक्वल टू माइनस 1 स्क्वेयर रूट टाइम्स 2 स्क्वेयर रूट, विच इज इक्वल टू माइनस 1, वी नो हमने उसको डिफाइन किया हुआ है आई से, आयोटा स्क्वेयर रूट 2। और इसको हम जब स्क्वेयर करेंगे मैं वही जो एग्जांपल मैंने यहां किया मैं उसको दोबारा कर रहा हूं, तो हम अब आयोटा स्क्वेयर रूट 2 को हम जब स्क्वेयर करेंगे तो वो बन जाएगा आयोटा स्क्वेयर टाइम्स स्क्वेयर रूट 2 स्क्वेयर। आयोटा स्क्वायर हमने भी पिछले एग्जाम्पल में देखा था इज माइनस 1 और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर इज 2, तो माइनस 1 टाइम्स माइनस 2 इज माइनस 1 टाइम्स 2 इज माइनस 2, तो वही आंसर आ गया। तो सिर्फ एक नंबर हमने क्रिएट किया आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1, उससे हमको एडवांटेज मिला कि कोई भी नेगेटिव नंबर हो उसका हम स्क्वायर रूट पता कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपसे पूछता है कि What is the solution of this equation? कोई आपसे सवाल पूछता है कि what is the solution of x square is equal to minus 4? अब इसका आप कहेंगे okay, x is equal to square root of minus 4, which is equal to square root of minus 1 times 4, which is equal to square root of minus 1 times square root of 4, which is equal to iota, minus 1 square root is iota, and square root of 2 is, square root of 4 is 2. तो हमें इस equation का solution पता लग गया, x is equal to iota times 2. तो हमने इस तरीके से
नंबर सिस्टम को एक्सटेंड करके अपनी जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व कर लिया। अब उसमें इनिशियली हुआ ये कि जब लोगों ने इसको इन्वेंट किया तो वो फॉर कन्वीनियंस एक था कि जी हम इसको यू नो बिकॉज इट हेल्प्स अस, लेकिन बाद में ये हुआ कि उसकी इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस आ गई। अगर उस ज़माने में लोग सोचते कि जी हमने ये इमेजिनरी नंबर्स क्रिएट किए हैं सिर्फ इसलिए कि हम इस किस्म की इक्वेशन सॉल्व कर सकें, लेकिन अगर आज के ज़माने में आप देखें तो सारी टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें इमेजिनरी नंबर्स ना इस्तेमाल हों। आप कोई मोटर बना रहे हैं उसमें इंजीनियर्स इमेजिनरी नंबर्स को इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत टिपिकल चीज़ होती है मैथमेटिक्स के साथ। मैथमेटिक्स में याद रखिए कि दो टाइप्स की फील्ड होती हैं, एक को हम प्योर मैथ कहते हैं और एक होती है अप्लाइड मैथमेटिक्स। प्योर मैथ में आप सिर्फ वो चीज़ करते हैं, सॉरी अप्लाइड मैथ में सिर्फ वो चीज़ करते हैं जिसकी कोई इमीडिएट एप्लीकेशन हो। ठीक है, आप उसको कोई चीज़ सॉल्व करना चाह रहे हैं, कोई कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं बिल्डिंग, तो आपने मैथ की कुछ कैलकुलेशंस की और कहा अच्छा इस बिल्डिंग को इस तरह से इस एंगल से हम क्रिएट करेंगे। जबकि प्योर मैथमेटिक्स जो है वो इट परसूज एन आइडिया ओनली बिकॉज द आइडिया इज इंटरेस्टिंग। तो जिस ज़माने में ये इमेजिनरी नंबर्स इन्वेंट हुए उस वक्त लोगों ने सिर्फ इसको इसलिए परसू किया कि ये इट वॉज एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बिकॉज इट हेल्प एक्सटेंड द मैथमेटिकल आइडियाज़। इसकी उस वक्त कोई एप्लीकेशन नहीं थी, कोई बिल्डिंग में इसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था बिल्डिंग बनाने में या मोटर बनाने में। तो अक्सर ये होता है कि मैथ प्योर मैथमेटिक्स में चीज़ें परसू की जाती हैं प्योरली फॉर इंटरेस्ट, इट्स अ गुड आइडिया टू फॉलो, और बाद में उसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस निकल आती हैं। मैथमेटिशियंस, अप्लाइड मैथमेटिशियंस या फिजिसिस्ट उन चीज़ों को देखते हैं, कहते हैं वी कैन यूज़ देम एंड देन दे यूज़। तो ये इमेजिनरी नंबर्स का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत टिपिकल एग्जाम्पल है इस चीज़ का कि प्योर मैथमेटिशियंस ने इसको इन्वेंट किया समझने के लिए और अब ये हर इंजीनियरिंग में इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अब इमेजिनरी नंबर हमने देख लिए क्या होते हैं, ये रियल नंबर की कॉपी होता है जिसमें हर नंबर के साथ आयोटा लगाया जाता है। अब हम इमेजिनरी नंबर्स और रियल नंबर्स को मिला के एक और बड़ा नंबरिंग सिस्टम क्रिएट करते हैं, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबरिंग सिस्टम। सो कॉम्प्लेक्स नंबरिंग सिस्टम में अगर आप स्लाइड पे देखें तो हर कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म, ए प्लस बी आई, वेयर ए इज कॉल्ड द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर and b is called the imaginary part. b is called the imaginary part because with b we have iota being multiplied. So ye ek imaginary numbers ki copy hai aur ye imaginary numbers ki copy aa gayi hamare paas, ye real numbers ki copy aa gayi. So a combination of real numbers and imaginary numbers is called a complex number. Isko hum standard form bhi kehte hain, a plus b times i is the standard form of writing a complex number. Iska pehla part a jo hai wo real number hota hai aur dusra part b i hai, b ko hum imaginary part kehte hain kyunki wo iota ke sath munsalik hai. Ab examples dekh le bahut sare isme slide pe, agar aap dekhenge to 2 minus 4i ye ek example aa gaya. Isme 2 jo hai wo real part hai, minus 4 imaginary part hai kyunki uske sath hum iota ko multiply kar rahe hain. Minus 3 plus 5i, अगेन माइनस थ्री रियल पार्ट है, फाइव इमेजिनरी पार्ट है क्योंकि उसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई किया, ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं. माइनस फाइव प्लस थ्री ओवर फोर आयोटा, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. माइनस फाइव रियल पार्ट है, थ्री ओवर फोर इमेजिनरी पार्ट है. सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज डिनोटेड बाय अ कैपिटल ब्लॉक लेटर सी, सी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ये अब सबसे बड़ा सेट आ गया हमारे पास नंबर्स का. इससे पहले हम समझते थे रियल नंबर्स हैं, लेकिन इसमें आप देखेंगे रियल से बड़ा है क्योंकि अगर आप इसकी पार्ट ए को देखें जिसमें ए है उसमें सारे रियल नंबर्स को हम इसमें लिख सकते हैं, उसमें हमने क्या कर दिया इमेजिनरी नंबर भी ऐड कर दिया, तो उनको मिला के अब हमने कॉम्प्लेक्स नंबरिंग सिस्टम बनाया है. ये एग्जाम्पल्स देखते थे, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल में दिखाया था स्क्वायर रूट ऑफ माइनस टू, उसको हम लिख सकते हैं आयोटा टाइम स्क्वायर रूट ऑफ टू. तो इसमें मैंने उसी किस्म के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि कोई भी नंबर हो, माइनस एक्स, एक्स कुछ भी रियल नंबर हो, उसको अगर हम स्क्वायर रूट लें तो उसको हम लिख सकते हैं आयोटा टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स. तो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज माइनस ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर रूट हमें लेना है,
तो इस प्रिंसिपल के तहत हम आयोटा लिखेंगे टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 25. स्क्वायर रूट ऑफ 25 हमें पता है 5 है, बिकॉज 5 टाइम्स 5 इज 25. तो इसको हम लिखेंगे 5 टाइम्स आयोटा. तो स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 25 इज 5 आयोटा. सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देखें माइनस 30 स्क्वायर रूट है, विच इज इक्वल टू आयोटा टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 30. 30 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, डेसिमल में आंसर आएगा, लेकिन इसको हम लिख सकते हैं आयोटा टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 30. थर्ड एग्जाम्पल है माइनस 125, सेम थिंग आयोटा टाइम्स 125 स्क्वायर रूट, विच इज आयोटा टाइम्स 25 टाइम्स 5. 5 का स्क्वायर रूट हमें पता है इज 5, तो उसको हम स्क्वायर रूट से 25 को बाहर ले आते हैं, हमारे पास 5 आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 5 बच जाता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 को स्क्वायर कर रहे हैं. अगेन ये प्रिटी सिमिलर एग्जाम्पल है जो मैंने पहले आपको दिखाया था, इसमें माइनस स्क्वायर रूट 3 को माइनस स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसको हम लिख लेंगे आयोटा स्क्वायर रूट 3 टाइम्स आयोटा स्क्वायर रूट 3. आयोटा टाइम्स आयोटा इज आयोटा स्क्वायर, विच वी नो इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू माइनस 1, एंड स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3. तो माइनस 1 टाइम्स 3 इज माइनस 3. और जो आखिरी एग्जाम्पल है उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन दे दिया है. तो न्यूमरेटर में आपके है स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 98 और डिनोमिनेटर में है स्क्वायर रूट ऑफ 49. तो न्यूमरेटर को हम लिख सकते हैं आयोटा टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 98, और डिनोमिनेटर में तो माइनस साइन है ही नहीं, तो उसको हम वैसे ही 49 स्क्वायर रूट लिखेंगे. 98 ओवर 49 इज 2, तो उसको हम लिखेंगे फाइनली आयोटा टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, सिंप्लीफाई करके. तो इस आयोटा से हमको बहुत सारी मदद मिल जाती है चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए. अब जो आपको मैं बता रहा था कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को बनाया है, इट इज़ दी बिगेस्ट नंबरिंग सिस्टम, क्योंकि इसमें रियल नंबर सारे आ जाते हैं और इसमें इमेजिनरी नंबर्स भी सारे आ जाते हैं. नीचे अगर आप देखें वेन डायग्राम में, इसमें एक्सप्लेन किया है कि कैसे ये बनते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर. हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर भी है. कैसे है? क्योंकि हमने देखा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है ए प्लस आयोटा बी. अब अगर आप उसमें रियल नंबर्स को देखते हैं तो रियल नंबर को हम लिख सकते हैं ए प्लस आयोटा टाइम्स जीरो, यानी कि इमेजिनरी पार्ट को हम जीरो लिख दें. है ये भी कॉम्प्लेक्स स्टैंडर्ड फॉर्म में, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में, बी है जस्ट हैपन्स टू बी जीरो. तो जब ये होता है कि सारा इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो होता है, तो वो सारी कॉपीज हमारी रियल नंबर्स की आ जाएंगी. इसी तरह सारे इमेजिनरी नंबर्स भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में लिख सकते हैं. ए प्लस आयोटा बी, अगर उसमें ए को हम जीरो कर दें तो सारा रियल पार्ट जीरो हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ इमेजिनरी नंबर्स की कॉपीज आ जाएंगी. जीरो प्लस आयोटा बी, सारे इमेजिनरी नंबर्स आ जाएंगे. तो उसमें ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है. इट हैपन्स इन दिस केस के रियल पार्ट इज जीरो इन दिस केस. अच्छा, अब आपको याद होगा कि जब हमने रियल नंबर्स पढ़े थे तो उसमें हमने एक स्ट्रेट लाइन बना दी थी और उस पर हमने रियल नंबर्स रिप्रेजेंट कर लिए थे. जीरो था ओरिजिन था और उसमें हमने इंटीजर्स पे मार्क करते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि हर पॉइंट उस लाइन का एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है. अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिकली किसी डायग्राम में? तो जवाब है इसका यस. रियल नंबर्स में तो हमने स्ट्रेट लाइन बनाई थी, उस पर सारे नंबर्स आ गए थे. कॉम्प्लेक्स नंबर्स में एक लाइन पे नंबर्स नहीं आते, क्योंकि इसमें दो चीज़ें हो रही हैं. एक रियल नंबर की लाइन तो ऑलरेडी मौजूद है, उसके अलावा एक इमेजिनरी नंबर्स की लाइन भी आ गई है. तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक डायग्राम बनाया जाता है जिसको कहा जाता है आर्गन डायग्राम. इट इज़ बेस्ड आफ्टर अ मैथमेटिशियन हु फर्स्ट केम अप विद दिस आइडिया कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करें. तो इसका तरीका यह है कि आपने जैसे स्कूल में देखा होगा कोऑर्डिनेट एक्सिस जब हम बनाते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. ओके, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, वाई एक्सिस वर्टिकल एक्सिस होता है, और जहाँ पे दो मीट करते हैं उसको हम कहलाते हैं जीरो. ओके, उसको ओरिजिन कहते हैं. तो आर्गन डायग्राम्स में हमने उसी कॉन्सेप्ट को लिया है. हमने कहा है कि क्या हम करेंगे कि जो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है उस पर तो हम सारे रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर देंगे, और वर्टिकल एक्सिस जो वाई एक्सिस है उस पर हम सारे इमेजिनरी नंबर्स रिप्रेजेंट करेंगे. तो जब इसमें ड्रॉ करते हैं आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, तो उसको उसी तरह रीड करते हैं जैसे आप कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सिस को रीड करते हैं. एक्स वाई, पहला नंबर हॉरिजॉन्टल का होता है और दूसरा नंबर वर्टिकल का होता है. ओनली डिफरेंस इज कि जो दूसरा नंबर है उसके साथ हमको याद रखना है कि उसमें आयोटा शामिल है. वो एक
उसको हम कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस और रियल एक्सिस। तो इसमें एग्जांपल आप देखिए कि हमारे पास कोई भी नंबर है ए प्लस बी आयोटा, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, जैसे कि हम किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे एक पॉइंट को प्लॉट करते हैं। तो ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इसमें एक्स एक्सिस जो है वो हमारा पूरा रियल एक्सिस है, वाई एक्सिस जो है वो पूरा इमेजिनरी एक्सिस है। तो अब अगर हमें पॉइंट ए प्लस बी आयोटा को रिप्रेजेंट करना है तो हम कितने यूनिट्स जाएंगे, हम पहले जाएंगे ए यूनिट्स एक्स की डायरेक्शन में, हम गए यहाँ पे हमारा पॉइंट आ गया ए, ए यूनिट्स एक्स की डायरेक्शन में गए, और उसके बाद हम जाएंगे वाई यूनिट्स बी की डायरेक्शन में, ये आ गया हमारा बी। तो कोई भी पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी को कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, ए इज द इमेजिनरी एक्सिस, ए इज अलोंग द रियल एक्सिस एंड बी इज अलोंग द इमेजिनरी एक्सिस। तो पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट्स ए और बी हैं, ये रिप्रेजेंट करता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस बी आयोटा, ए इन दिस डायरेक्शन एंड बी इन द वर्टिकल डायरेक्शन। इस तरह से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक प्लेन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रियल नंबर्स को हम लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक प्लेन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के जिनको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है एक प्लेन में। तो ये हमारे पास इस स्लाइड में एग्जाम्पल है 3-2 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँ। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि मैं 3 यूनिट्स जाऊँगा एक्स डायरेक्शन में, तो आप देखें 3 यूनिट्स एक्स डायरेक्शन में हम गए 1, 2, 3 यूनिट्स, और 2 यूनिट्स हम जाएंगे माइनस वाई डायरेक्शन में, क्योंकि ये -2 है, सो हम नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे, तो हम 2 यूनिट्स 1, 2 माइनस डायरेक्शन में गए, तो हमें वो पॉइंट मिल गया जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3-2 आयोटा। इस तरह से कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आप इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं, ये एक पॉइंट देगा आपको प्लेन में। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने एक नंबरिंग सिस्टम तो एक डिफाइन कर लिया, ठीक है, जो बहुत बड़ा नंबरिंग सिस्टम है, रियल से भी बड़ा है। अब जाहिर है नंबर जब होंगे तो हमें एडिशन करनी होगी, सब्ट्रैक्शन करनी होगी, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन, ये सब नंबर्स के साथ हम यही करते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करते हैं, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उसको ऐड करने का तरीका ये है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, रिमेंबर हर कॉम्प्लेक्स नंबर की जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं तो उसका एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो दोनों के रियल पार्ट भी होंगे और इमेजिनरी पार्ट भी होंगे। तो जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करते हैं तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करें और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड करें। तो एग्जांपल अगर आप देखें, यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा हुआ है स्लाइड में, पहला है जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस बी आयोटा प्लस सी प्लस डी आयोटा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ए और सी जो है वो रियल पार्ट्स हैं और बी और डी जो है वो इमेजिनरी पार्ट्स हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो हम ए को सी के साथ ऐड कर देंगे प्लस बी को डी के साथ ऐड किया और उसके साथ हमने इमेजिनरी पार्ट लिख दिया, वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया आपका। अगेन रिमेंबर, हमको कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा लिखना है इन द एंड स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कि पहले रियल पार्ट प्लस आयोटा टाइम्स द इमेजिनरी पार्ट, तो उसको हमने लिख लिया। इसी तरह सब्ट्रैक्शन भी है, आपके ऐसा है ए प्लस बी आयोटा, उसमें से आप सब्ट्रैक्ट करें सी प्लस डी आयोटा, तो आप रियल पार्ट में से रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए में से सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे ए माइनस सी, प्लस इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे बी माइनस डी, और बी माइनस डी क्योंकि इमेजिनरी पार्ट्स हैं दोनों, तो उनके साथ हम आयोटा जरूर लिखेंगे। ये फिर एक आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, ए माइनस सी रियल है, बी माइनस डी जो है वो इमेजिनरी है। तो अगर आप कुछ नंबर्स के साथ देखना चाहते हैं तो कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, 4-6 आयोटा प्लस -3+7 आयोटा। अभी हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गए, पहले का रियल पार्ट है 4, इमेजिनरी पार्ट है -6, दूसरे का रियल पार्ट है -3, इमेजिनरी पार्ट है 7। इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, तो जो हमने रूल बताया था वो ये है कि हम रियल पार्ट को रियल से करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ करेंगे।
तो 4 प्लस माइनस 3 हो जाएगा. तो व्हाट इज 4 प्लस माइनस 3 व्हिच इज 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 1. तो रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होगा 1. इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ ऐड करेंगे. माइनस 6 को आप ऐड करेंगे 7 के साथ. माइनस 6 प्लस 7 इज अगेन 1. लेकिन उसके साथ इमेजिनरी का आयोटा जरूर लिखे. तो आंसर इस इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो आंसर हमारा आता है 1 प्लस आयोटा विच इज अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर. इसी तरह सब्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल देख लें. हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 10 माइनस 4 आयोटा माइनस 5 माइनस 2 आयोटा. तो रियल पार्ट को रियल से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 5 को निकालेंगे. 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5. और इमेजिनरी में से इमेजिनरी को निकालेंगे. इमेजिनरी पार्ट पहले का है माइनस 4 और दूसरे का है माइनस 2. तो माइनस 4 माइनस माइनस 2 दैट विल बिकम माइनस 4 प्लस 2 विच इज इक्वल टू माइनस 2. और उसके साथ हम इमेजिनरी पार्ट का आयोटा लिखेंगे. तो इसका जो रिजल्ट आएगा इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो 5 माइनस 2 आयोटा विच इज अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर. तो ये बेसिक रूल है एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करने के लिए रियल को रियल के साथ इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ये आपका रिजल्ट आ जाएगा. नेक्स्ट इशू आता है मल्टीप्लीकेशन का. मल्टीप्लाई हम कैसे कर सकते हैं दो नंबर्स को. आपका है a प्लस बी आयोटा और c प्लस डी आयोटा. ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं. इनको मल्टीप्लाई करने का तरीका है बिल्कुल वैसे ही है. अगर आप आयोटा को इसको कोई चीज़ स्पेशल ना समझें. अगर आपने याद होगा आपने हाई स्कूल में दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई किए होंगे x प्लस वाई टाइम्स ए प्लस बी. उसी तरह आप मल्टीप्लाई कर दें. तो इसको अगर मैं एग्जाम्पल में देखें आप इस एग्जाम्पल में तो आपको ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं इनको हमने मल्टीप्लाई करना है. तो उसको हम उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे जैसे किसी भी दो ब्रैकेट्स को करते हैं. आप ए को मल्टीप्लाई करेंगे उसके दोनों पहले फैक्टर के पहले नंबर को दूसरे फैक्टर के दोनों नंबर से बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये हो जाएगा ए टाइम्स सी वो यहाँ पे आ जाएगा प्लस ए टाइम्स डी आई. तो ये मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ ताकि आप वो भी देख लें. यह आएगा आपका ए टाइम्स सी प्लस ए टाइम्स डी आई. ये मैंने ए को दोनों से मल्टीप्लाई किया. अब मैं इसी तरह से बी आयोटा को दोनों से मल्टीप्लाई करूँगा. बी आयोटा को मैं सी से मल्टीप्लाई करूँगा और बी आयोटा को मैं डी आयोटा से मल्टीप्लाई करूँगा. तो ये आ जाएगा प्लस बी आयोटा टाइम्स सी प्लस बी आयोटा टाइम्स डी आयोटा. अब इसमें ये है आप देखें दो नंबर ऐसे हैं जो इमेजिनरी हैं प्योर ए डी आयोटा एंड बी सी आयोटा. वो हमने यहाँ पे लिख दिए इमेजिनरी पार्ट. ए डी आयोटा उनमें दोनों में से फैक्टराइज हो गया उसको हमने बाहर लिख लिया यहाँ पे और हमने अंदर लिख लिया ए डी प्लस बी सी. ये इमेजिनरी पार्ट हो गया. रियल पार्ट में ए सी तो आपका वैसे ही आ गया. दूसरी तरफ आपका है बी आयोटा टाइम्स डी आयोटा बी टाइम्स डी और आयोटा टाइम्स आयोटा इज आयोटा स्क्वेर्ड विच इज माइनस 1. सो माइनस बी डी दैट्स वाई वी हैव माइनस बी डी हियर. ये रियल पार्ट हो गया. दो इमेजिनरी नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट रियल आता है. तो हमारा ए सी माइनस बी डी हमारा रियल पार्ट हो गया और ए डी प्लस बी सी हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया. उसके साथ हमने आयोटा लिख दिया. तो दिस इज द वे यू मल्टीप्लाई टू कॉम्प्लेक्स नंबर जस्ट लाइक यू मल्टीप्लाई एनी फैक्टर्स जो आप हाई स्कूल से करते आए हैं बिल्कुल इसमें वही काम करना है आपने. द ओनली डिफरेंस इज के जो आपका आखिर का नंबर आता है एक तो आपका आयोटा कुछ नंबर्स के साथ लगेगा और जो आखिर में जहाँ पे आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होता है तो उसमें आपको ये ख्याल रखना है कि उसको आपने रिप्लेस कर देना है माइनस वन से. जैसे कि हमने बी आयोटा टाइम्स डी आयोटा को बी डी आयोटा स्क्वायर किया एंड आयोटा स्क्वायर इज माइनस वन तो इट बिकेम माइनस बी डी. तो इस चीज का ख्याल रखना है. बाकी इसकी मल्टीप्लीकेशन का वही मेथड है. कुछ एग्जांपल्स देख लें इसके आप. पहले एग्जांपल में ऑन द लेफ्ट साइड हमने हमारे पास नंबर है 2 माइनस 4 आयोटा टाइम्स 3 प्लस 5 आयोटा. तो इसमें
उसी तरह से मल्टीप्लाई किया है, पहले 2 को हमने 3 और 5 आयोटा से मल्टीप्लाई किया है, तो 2 टाइम्स 3 प्लस 2 टाइम्स 5 आयोटा, और फिर माइनस 4 आयोटा को 3 और 5 आयोटा से मल्टीप्लाई किया, तो इट बिकम्स माइनस 4 आयोटा टाइम्स 3 माइनस 4 आयोटा टाइम्स 5 आयोटा, तो फिर आपका बन जाता है 2 टाइम्स 3 इज 6, 2 टाइम्स 5 आयोटा इज 10 आयोटा, माइनस 4 टाइम्स 3 आयोटा इज माइनस 12 आयोटा, एंड माइनस 4 आयोटा टाइम्स 5 आयोटा इज 20 आयोटा स्क्वेयर्ड। अब आपका आ गया 6 और 10 आयोटा माइनस 12 आयोटा बन गया, आपने उसमें से आयोटा को फैक्टराइज कर लिया, वो बन गया माइनस 2 आयोटा, और लास्ट में आपके आ गया 20 आयोटा स्क्वेयर, आयोटा स्क्वेयर इज माइनस 1 वी नो, सो इट बिकम्स माइनस 20। अब इसका रियल पार्ट आप देख लें, रियल पार्ट है 6 माइनस 20, तो माइनस 20 माइनस 1 मिलके बन जाता है प्लस 20, तो 6 प्लस 20 ये आपका रियल पार्ट आ गया 26, और माइनस 2 आयोटा आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो ये आपने, ये भी रिजल्ट एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। दूसरी साइड पे हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर को स्क्वेयर किया, उसको बिल्कुल उसी तरह स्क्वेयर करना है। अगर आपको याद हो, आपने एक फॉर्मूला याद किया होगा स्कूल में, ए प्लस बी स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, वही फॉर्मूला आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे a हमारा है 7 और b है 3 आयोटा, उसको हमने किया ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, वही फॉर्मूला इस्तेमाल किया, 7 स्क्वेयर आ गया 49, इन सबको मल्टीप्लाई करें 2 टाइम्स 7 14, 14 टाइम्स 3 इज 42, और i भी साथ है वो मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 3 स्क्वेयर है 9 और आयोटा स्क्वेयर है आयोटा स्क्वेयर। तो उसमें ओनली डिफरेंस ये है कि आपके एक आयोटा स्क्वेयर आ जाता है, वो जो कि फिर आपको साइन चेंज करना होता है, तो 49 प्लस 42 आयोटा, वैसे ही आयोटा स्क्वेयर की जगह हमने माइनस 1 लिखा, 9 टाइम्स माइनस 1 इज माइनस 9, तो आपका बनता है 49 माइनस 9 इज 40 प्लस 42 आयोटा, तो ये भी आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। तो इस तरह से आप स्क्वेयर कर सकते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन भी आपके लिए इजी होनी चाहिए, जैसे आप किसी भी दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह आप कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, इसी तरह स्क्वेयर करते हैं आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, आप वही करेंगे जो a प्लस बी होल स्क्वेयर का फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को स्क्वेयर करने में इस्तेमाल करेंगे। ये ख्याल रखते हुए कि एक तो आयोटा की एक टर्म उसमें आएगी जिसको इमेजिनरी पार्ट कहेंगे, और एक आयोटा स्क्वेयर की टर्म आएगी जिसमें हमको आयोटा स्क्वायर को रिप्लेस करना है माइनस 1 से, तो उसमें साइन चेंज हो जाएगा उसके कोएफिशिएंट, ये चीज़ रखनी है ध्यान में। कुछ चीज़ें ये मैंने एक स्लाइड बना दी है आपके लिए इजी करने के लिए, कि इसमें आप देखेंगे कि जब आयोटा की डिफरेंट पावर्स आ सकती हैं, हो सकता है आप आयोटा ए प्लस आयोटा बी को स्क्वायर ना कर रहे हो, उसको क्यूब कर रहे हो, या उसको फोर्थ पावर पे रेस कर रहे हो, तो जब ऐसा होता है तो उसमें आपको ज़ाहिर है आयोटा की हायर पावर्स भी आएंगी, लेकिन आयोटा की पावर्स हायर जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होती। तो इसके मैंने कुछ शुरू के एग्जांपल्स आपको दिए मैं इस स्लाइड में, आयोटा 1 पावर इज आयोटा, आयोटा स्क्वेयर इज माइनस 1, आयोटा क्यूब क्या होगा, आयोटा क्यूब इज आयोटा टाइम्स आयोटा स्क्वेयर इज ऑलरेडी माइनस 1 टाइम्स आयोटा इज माइनस आयोटा, आयोटा 4 क्या होगा, आयोटा 4 इज आयोटा स्क्वेयर टाइम्स आयोटा स्क्वेयर, आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1, सो माइनस 1 टाइम्स माइनस 1 वो फिर 1 बन जाएगा। फिर आयोटा टू द फिफ्थ पावर क्या होगा, आयोटा टू द फिफ्थ पावर इज आयोटा टू द पावर फोर्थ टाइम्स आयोटा, आयोटा टू द पावर 4 हमने ऑलरेडी डिटरमिन कर लिया है इज इक्वल टू 1, 1 टाइम्स आयोटा इज आयोटा, सो आप देख रहे हैं आयोटा फिफ्थ जो है वो फिर आयोटा 1 की तरह होता है, और यही साइकिल बार बार रिपीट करती है, वही नंबर्स, चार नंबर्स आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा और 1, ये बार बार रिपीट करते हैं मुख्तलिफ पावर्स में, तो इतना इसमें आसानी हो जाएगी आपको अगर आप हायर पावर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं। अब सवाल ये है कि हम डिवीजन करना चाहते हैं, जाहिर हमने मल्टीप्लिकेशन भी कर ली, एडिशन भी कर ली, सब्ट्रैक्शन भी कर ली, अब रह गई है डिवीजन। तो डिवीजन के लिए थोड़ी सी एक हमको, इसको आप ट्रिक कह लें, टेक्निक, इट्स बेसिकली अ टेक्निक जो हमारी लाइफ ज़रा आसान करती है, काम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है लेकिन लाइफ आसान हो जाती है। So before we introduce that technique, I have to introduce a definition. And the definition is of what is called the conjugate of a complex number.
तो अगर आप स्लाइड में देखें, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से. जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी. ये कॉम्प्लेक्स नंबर है. तो हम कहते हैं उसका कॉन्जुगेट जो है वो सिंपली है ए माइनस आयोटा बी. सो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका कॉन्जुगेट सिर्फ वो नंबर है जिसमें हमने जो उसका इमेजिनरी पार्ट था उसका साइन चेंज कर दिया. अगर वो प्लस बी था ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो कॉन्जुगेट में वो माइनस बी हो जाएगा. तो उसकी जो नोटेशन है, अगर आप देखें यहाँ पर, तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जी या जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसके कॉन्जुगेट को उसके ऊपर जी या जेड के ऊपर एक स्टार बना देते हैं, वो लग जाता है. कुछ किताबों में आप लिखें और ये भी देखेंगे कि कॉन्जुगेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जेड बनाया और उसके ऊपर एक बार डाल दी. तो अगर आपको पास कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसके बाद आप जेड और उसके ऊपर एक बार पढ़िए, तो आप समझ जाएं कि वो भी कॉन्जुगेट रिप्रेजेंट कर रहा है. ये डिफरेंट कन्वेंशंस हैं. कुछ लोग पसंद करते हैं स्टार नोटेशन को इस्तेमाल करना, कुछ लोग पसंद करते हैं बार नोटेशन को इस्तेमाल करना, लेकिन मतलब दोनों का एक ही है. ये कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर के. अब कॉन्जुगेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि कॉमन सेंस प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी. पहली प्रॉपर्टी है कि द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉन्जुगेट इज बैक द ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर. तो अगर आप उसे सोचें, अगर ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा a प्लस आयोटा b, उसका हमने कॉन्जुगेट लिया तो क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा b. उसका हम दोबारा कॉन्जुगेट लेंगे तो b का साइन फिर चेंज होगा, वो फिर प्लस हो जाएगा, तो वो a माइनस माइनस b आयोटा बन जाएगा, तो विच इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा. वी आर बैक टू वेयर वी स्टार्टेड फ्रॉम, द ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर. तो कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉन्जुगेट इज इक्वल टू द कॉम्प्लेक्स नंबर, पहली प्रॉपर्टी है. दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो रिजल्ट आता है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आता, वो प्योरली एक रियल नंबर आ जाता है. वो कैसे, मैं आपको दिखाता हूं. यहां पर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया a प्लस आयोटा b. इसको हमने मल्टीप्लाई किया उसके कॉन्जुगेट से. कॉन्जुगेट क्या है, रिमेंबर, इज a माइनस आयोटा b. अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर या तो आप चाहें तो वही फॉर्मूला इस्तेमाल कर लें कि जी सबको, हर टर्म को पहले फैक्टर की हर टर्म को मल्टीप्लाई करें दूसरे फैक्टर की. या अगर आपको याद हो कि आपने हाई स्कूल में ये फॉर्मूला याद किया होगा, a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर. उस फॉर्मूले को हम यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी साइंस डिफरेंट है, बाकी दोनों जो नंबर्स हैं वो तो सेम है. तो उसी फॉर्मूले को हम इस्तेमाल करते हुए लिख सकते हैं ए स्क्वेयर प्लस हमारा जो बी है वो एक्चुअली आयोटा बी है उसको, और बीच में सॉरी यहाँ पे माइनस साइन होना चाहिए, ए स्क्वेयर माइनस आयोटा बी स्क्वेयर. अब इसको हम करेंगे, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस आयोटा स्क्वेयर टाइम्स बी स्क्वेयर. आयोटा स्क्वेयर हमें पता है इज माइनस वन, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर. और आप देखें जो रिजल्ट आया है वो प्योरली रियल नंबर है, इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है. इट इज़ नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इट्स अ रियल नंबर, प्योर रियल नंबर. तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कॉन्जुगेट की. जब आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उससे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको एक रियल नंबर आ जाता है, एंड विच इज इक्वल टू एक्चुअली द स्क्वेयर ऑफ द रियल पार्ट एंड द स्क्वेयर ऑफ द इमेजिनरी पार्ट एडिड टुगेदर. अच्छा, उसके अलावा प्रॉपर्टी जो आती है वो देख लेते हैं. अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट्स के साथ ऐड कर रहे हैं तो क्या आएगा, इसका मैं यहीं पे आपको दिखा देता हूं. बड़ा सिंपल सा है कि अगर मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस b आयोटा, उसमें अगर मैं ऐड कर रहा हूं उसके कॉन्जुगेट को a माइनस बी आयोटा को, तो क्या होगा, प्लस बी आयोटा माइनस बी आयोटा ये कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास रह जाएगा a प्लस a इज इक्वल टू 2a. तो ये भी प्योरली एक रियल नंबर आ गया. जब आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट को ऐड करेंगे तो अभी आपके पास 2a, टू टाइम्स ही रियल पार्ट आ जाएगा, विच इज प्योरली रियल. अगर मैं उनको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आप देखेंगे कि प्योरली इमेजिनरी नंबर आएगा. फिर से देख लें इसको, अगर आपका है a प्लस आयोटा b
उसमें से अब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके कॉन्जुगेट को ए माइनस आयोटा बी को, तो क्या होगा, ये बिकम इट विल बिकम ए प्लस आयोटा बी माइनस ए, और माइनस माइनस विल बिकम प्लस आयोटा बी. तो ए और माइनस ए कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आयोटा बी प्लस आयोटा बी, दिस इज इक्वल टू टू आयोटा बी, विच इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर, इसका कोई रियल पार्ट नहीं है. तो ये चार प्रॉपर्टीज जो हैं ये कॉन्जुगेट्स की, इसके अलावा कुछ और भी हैं वो हम मोर एडवांस मैथ्स में पढ़ सकते हैं, लेकिन ये हमारे यूज के लिए बहुत काफ़ी हैं ये चार प्रॉपर्टीज. इनको इस्तेमाल करते हुए अब हम देखते हैं कि डिवीजन कैसे की जाए कॉम्प्लेक्स नंबर्स के. अब इसमें मैंने आपको दिखा दिया एक जेनेरिक से एग्जाम्पल, हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं ए प्लस बी आयोटा और सी प्लस डी आयोटा. तो हमने a प्लस बी आयोटा को c प्लस डी आयोटा से डिवाइड करना है. अब उसके लिए टेक्निक जो हमने इस्तेमाल की है वो ये किया है कि हमने इस नंबर को जो भी रिजल्ट है उसको हमने c माइनस डी आयोटा और c माइनस डी आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया. व्हाट इज c माइनस डी आयोटा ओवर c माइनस डी आयोटा, इट इज इक्वल टू 1. किसी नंबर को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर चेंज नहीं होता, ठीक है. 4 टाइम्स 1 इज 1. तो किसी भी नंबर को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर चेंज नहीं होता. तो फिर हमने ये क्यों किया, ये हमने इसलिए किया है क्योंकि इससे हमें डिवीजन में आसानी हो जाएगी. अभी आप देखेंगे इससे कैसे आसानी होती है. हमने बेसिकली किया ये है कि जो डिनोमिनेटर कॉम्प्लेक्स नंबर है सी प्लस डी आयोटा, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर लिया है और डिवाइड भी कर लिया है. तो ओरिजिनल नंबर तो चेंज नहीं हुआ क्योंकि हमने अल्टीमेटली 1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है. लेकिन अब ये होगा कि ऊपर जो डिनोमिनेटर है नीचे c प्लस डी आयोटा c माइनस डी आयोटा, हमने पीछे प्रॉपर्टीज देखी थी कि जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो इमेजिनरी पार्ट डिसअपियर हो जाता है, हमारे पास रियल पार्ट रह जाता है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. अब उसका मतलब है कि अब हम उसको अलग अलग कर सकते हैं. प्रॉब्लम पहले ये हो रही थी डिवाइड करने में कि हमारे डिनोमिनेटर में एक इमेजिनरी नंबर आ गया था, हमने अभी तक ये नहीं सीखा कि कैसे इमेजिनरी नंबर से डिवाइड करना है. तो हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर के, और हमने क्या किया कि हमने वो नीचे से डिनोमिनेटर में से कॉम्प्लेक्स नंबर को एलिमिनेट करके प्योरली रियल नंबर ले आए, ठीक है. अब हम उसको लिख सकते हैं ए सी प्लस बी डी, वो बेसिकली ऊपर जो है आपके मल्टीप्लीकेशन हो रही है ए प्लस बी आयोटा की सी माइनस डी आयोटा से, उसका आंसर आया ए सी प्लस बी डी प्लस आयोटा टाइम्स बी सी माइनस ए डी. ये हमने पहले भी देख चुके हैं उसको. डिनोमिनेटर में आपके आ गया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, उसको आप अलग अलग लिख सकते हैं. सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को आप रियल पार्ट के नीचे भी लिख सकते हैं और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को इमेजिनरी पार्ट के नीचे भी लिख सकते हैं. तो अब क्या आ गया, हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया इस टेक्निक के साथ. तो जब भी आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करना है तो उसकी टेक्निक यही इस्तेमाल करनी है. क्या टेक्निक है कि जो डिनोमिनेटर का कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर लें और डिवाइड भी कर लें. तो उसमें यह होगा कि ऊपर का जो न्यूमरेटर है उसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आपके एक प्योरली रियल नंबर आ जाएगा जिसको आप फिर स्प्लिट कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स की रियल पार्ट के नीचे भी लिख सकते हैं न्यूमरेटर के और इमेजिनरी पार्ट के नीचे भी लिख सकते हैं, और ये इस तरह से आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर आया था. क्योंकि रिमेंबर कि हमारा आंसर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में ही आना चाहिए. तो अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसी तरह के कि कैसे हमने असली नंबर्स के साथ कैसे किया. तो हमारे पास ये प्रॉब्लम है कि 3 प्लस 11 आयोटा को हमने डिवाइड किया माइनस 1 माइनस 2 आयोटा से. अब उसकी टेक्निक हमने वही यूज़ करनी है. तो उसका कॉन्जुगेट क्या हुआ माइनस वन माइनस टू आयोटा का, उसका कॉन्जुगेट है माइनस वन प्लस टू आयोटा. रिमेंबर रियल पार्ट को हम नहीं टच करते कॉन्जुगेट लेते वक्त, वो वैसा ही रहेगा, लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट है उसका हम सिर्फ साइन बदल देते हैं. तो इसका इमेजिनरी पार्ट डिनोमिनेटर में माइनस टू आयोटा है तो हमने उसके कॉन्जुगेट किया प्लस टू आयोटा. तो कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और डिवाइड भी कर लेंगे माइनस वन प्लस टू आयोटा से. तो न्यूमरेटर में अब हमने मल्टीप्लाई कर लिया 3 प्लस 11 आयोटा को माइनस 1 प्लस 2 आयोटा से. डिनोमिनेटर में जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया माइनस 1 स्क्वायर प्लस
माइनस टू स्क्वेयर, तो ये आपका आ जाएगा वन प्लस माइनस टू स्क्वेयर इज फोर. तो डिनोमिनेटर में आपके एक रियल नंबर आ गया, तो आपने आयोटा से निजात पाली डिनोमिनेटर में. तो नीचे आपका आ गया फाइव. न्यूमरेटर में आपने जब ऊपर थ्री प्लस इलेवन आयोटा को माइनस वन प्लस टू आयोटा से मल्टीप्लाई किया, तो जो यूजुअल तरीका है दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लीकेशन का, वही इसमें इस्तेमाल होगा. तो उसमें आपका आ गया आंसर माइनस ट्वेंटी फाइव माइनस फाइव आयोटा. अब वो जो फाइव आपके नीचे डिनोमिनेटर में आया था, उसको आपने दोनों के नीचे अलग अलग लिख लिया. तो माइनस ट्वेंटी फाइव ओवर फाइव विच इज इक्वल टू माइनस फाइव, एंड माइनस फाइव ओवर आयोटा ओवर फाइव इज इक्वल टू माइनस वन आयोटा. तो इन द फाइनल एनालिसिस आपका आंसर आ रहा है माइनस फाइव माइनस आयोटा विच इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप डिवाइड करते हैं, तो इस तरीके ही से आप डिविजन करेंगे उसके. यही टेक्निक है कॉन्जुगेट को इस्तेमाल करते हुए. अब दूसरी जो एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू का. अगर आप रिकॉल करें, जब हम रियल नंबर्स को डिफाइन कर रहे थे, तो वो हमने डिफाइन किए थे एक लाइन पर, और हमने कहा था कि एब्सोल्यूट वैल्यू इज सिंपली द डिस्टेंस ऑफ द नंबर फ्रॉम द ओरिजिन. ओरिजिन इज जीरो, तो जो उसका डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं दैट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द रियल नंबर. उसी आइडिया को अब हमने जनरलाइज करना है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में. कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमने, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास z, यहां पे जैसे a प्लस b आयोटा है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू डिफाइन करनी है. तो एब्सोल्यूट वैल्यू आप कैसे डिफाइन करेंगे? एब्सोल्यूट वैल्यू आप डिफाइन करेंगे इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. इसमें आप स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, इसमें पूरा एक प्लेन है. तो देखते हैं कि वो प्लेन में उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे. अब यहाँ पे हमने अपना रिमेंबर आर्गन डायग्राम ड्रॉ करना है. ये हमारा आ गया रियल एक्सिस, ये हमारा आ गया इमेजिनरी एक्सिस, और जहाँ पे दोनों एक्सिस मीट करते हैं उसको हम जीरो ही से डिनोट करते हैं, उसका मतलब है ओरिजिन. अब आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो आता है ए यूनिट्स एक्स की डायरेक्शन में, और लेट्स से बी यूनिट्स वाई की डायरेक्शन में, तो वो बेसिकली ये पॉइंट होगा. इसको हम ए बी से डिनोट कर सकते हैं. ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया. तो गोल इधर हमारा क्या है कि इसका हमने डिस्टेंस मालूम करना है ओरिजिन से, पूरा डिस्टेंस. अब अगर आप इसको देखेंगे, इस डायग्राम को, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है. ये एक साइड है इस ट्रायंगल की, एक ये वर्टिकल साइड है, और ये इसका हाइपोटेन्यूस है. ये एंगल 90 डिग्रीज का है. तो अगर हाई स्कूल ज्योमेट्री में आपको जो सबसे पहला थ्योरम पढ़ाया जाता है उसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम रिमेंबर क्या है? इट्स दी, अगर आपके पास कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि ए हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. इससे हम हाइपोटेन्यूस की लेंथ पता कर सकते हैं. तो इसका मतलब हुआ कि ए सी इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ ए बी प्लस, सॉरी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. वही चीज हम बिल्कुल यहां पे इस एग्जाम्पल में इस्तेमाल करेंगे. हमको एब्सोल्यूट वैल्यू इस कॉम्प्लेक्स नंबर की डिफाइन करनी है. एब्सोल्यूट वैल्यू इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन. कॉम्प्लेक्स नंबर यहां बैठा हुआ है, इसका हमें ये डिस्टेंस पता करना है. ये बिल्कुल, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो दिस डिस्टेंस विच हम उसको कहेंगे ओ पी इज इक्वल टू, अगर हम इस पॉइंट को जहां पे इसकी बेस है उसको हम ए कह दें, इज इक्वल टू बाय पाइथागोरस थ्योरम ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर स्क्वायर रूट. व्हाट इज दिस लेंथ ओ ए? ये हमने, दिस इज ए, स्मॉल ए, हम ए डिस्टेंस गए थे रियल डायरेक्शन में, देयर इज ए स्क्वायर. और ए पी क्या है? ये वही इतनी
डिस्टेंस है जो यहां से हम b यूनिट्स ऊपर गए थे y की डायरेक्शन में, वही डिस्टेंस यहां पे b है. तो ए पी स्क्वायर इज बी स्क्वायर स्क्वायर रूट. सो दिस डिस्टेंस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट. तो हमने पाइथागोरस थ्योरम ही से इस्तेमाल करते हुए उसको हमने एब्सोल्यूट वैल्यू डिफाइन कर दी एक कॉम्प्लेक्स नंबर की, विच इज इक्वल टू द रियल पार्ट स्क्वायर्ड प्लस द इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर्ड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये आपका एब्सोल्यूट वैल्यू है. तो अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हैं एज अ लेटर जेड, तो एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए सिंबल हम वही इस्तेमाल करेंगे जो सिंबल हमने रियल नंबर्स के लिए इस्तेमाल किया था, जेड और उसके गिर दो बार्स डाल दी. और जेड की एब्सोल्यूट वैल्यू इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. और यहां पर मैंने दो एग्जांपल्स देखे हैं, इसमें से एक एग्जांपल पहले कर लेते हैं. माइनस टू प्लस फाइव आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? माइनस टू स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर, विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 29. सिमिलरली माइनस सिक्स आयोटा हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें रियल पार्ट जीरो है, वही हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे. इसका है माइनस इसका जीरो स्क्वायर प्लस माइनस सिक्स स्क्वायर, तो 36 स्क्वायर रूट विच इज 6. अब क्वेश्चन ये कि इनमें से आखिर में मैंने क्वेश्चन पूछा कि विच कॉम्प्लेक्स नंबर इज क्लोजेस्ट टू द ओरिजिन. तो आप एब्सोल्यूट वैल्यू लगा के आप पता कर सकते हैं कि जौन सा ज्यादा डिस्टेंस होगा वो ज्यादा दूर होगा, जौन सा कम डिस्टेंस होगा वो ज्यादा करीब होगा. स्क्वायर रूट 29 छोटा है तो उसका मतलब है माइनस टू प्लस फाइव आयोटा इज क्लोजर टू द ओरिजिन. इसके साथ ही हम आज इसका ये लेसन कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कंक्लूड करते हैं. नेक्स्ट टाइम वी विल टॉक अबाउट फंक्शन. टेक केयर.